नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। बात करते हैं आज की अजब खबर। छोटी सी उम्र में बड़ी बीमारी, एक ही स्थान पर रहने को मजबूर। 4 वर्ष की उम्र बच्चों के खेलने कूदने की होती है, लेकिन अगर किसी मासूम को इस उम्र में केवल एक जगह पर बने रहने के लिए मजबूर कर दिया जाए तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी बड़ी सजा है। एक दुर्लभ बीमारी के कारण लुटान का 4 वर्षीय इस्लाइल अली पिछले 4 वर्षों से अपने बिस्तर से नहीं उठ सका है। वो अपने सारे दैनिक काम बिस्तर पर ही करता है। उसके पैरों में भी कोई समस्या नहीं है, फिर भी वो हमेशा बिस्तर पर ही नजर आता है। इसके पीछे की कहानी बड़ी दर्दनाक है। 4 वर्षीय इस्माइल अली को रोजाना 20 घंटे ब्लू लाइट फोटोथेरेपी लाइट के नीचे रहना पड़ता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों? दरअसल इसके पीछे भी एक वजह है। इस्माइल जब कुछ एक हफ्तों का ही था तब से वो फोटोथेरेपी लाइट्स के नीचे ही रहता है। उसके लिए उसका बेड ही उसकी छोटी सी दुनिया है और वो बिस्तर छोड़कर कहीं और जाता है तो तुरंत उछलकर उसे बेड पर वापस आना पड़ता है। इस्माइल को क्रिगलर नाजार जैसी भयानक बीमारी से सामना करना पड़ रहा है। इस बीमारी को आजीवन पीलिया भी कहते हैं। इस बीमारी के इलाज के लिए ही उसे प्रतिदिन 20 घंटे एक खास तरह की ब्लू लाइट के नीचे रहना होता है जो उसके बेड के ऊपर ही लगी हुई है। इस्माइल के परिवार ने वेस्ट यॉर्कशायर के इंजीनियर से उसके लिए एक खास बिस्तर बनवाया है। इस बिस्तर में 2 बड़ी ब्लू लाइट्स लगी हैं जिनमें फोटोग्राफिक किरणें निकलती हैं। इन किरणों का तापमान 43 डिग्री तक होता है, लेकिन बच्चा सहन करता है क्योंकि उसकी बीमारी का इलाज करना होता है।